नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न फॉर ग्रो चैनल पर। यहाँ हम सभी मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो से आपको नया ज्ञान, कौशल्य और सूचना मिलेगी जो आपके करियर बिल्डिंग करने में मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट से अपूर्ण होने से बच सके। तब तक चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं और लर्न फॉर ग्रो के साथ बना के रहते हैं। वेलकम बैक टू एसक्यूएल लर्निंग सीरीज, मैं हूँ प्रवीण। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में एसक्यूएल सिनॉन। एसक्यूएल सिनॉन मतलब क्या है, देखिए दोस्तों इसका डेफिनेशन देखेंगे, बाद में आपको मैं पूरा अच्छे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए, इन ओरेकल एसक्यूएल और सिनॉन इज अ अल्टरनेटिव नेम फॉर अ टेबल व्यू सिक्वेंस प्रोसीजर और एनी अदर स्कीमा ऑब्जेक्ट। मतलब सिनॉन मतलब क्या है, समनार पद आपको मालूम है, अभी हमारा टेबल डेटाबेस में टेबल रहता है, उसी तरह टेबल को और एक नाम देंगे। कैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, कैसे अलियास देते हैं टेबल को देते हैं, और कॉलम को भी हम अलियास करके एक अलग नाम देते थे, उसी तरह सिनॉन मतलब एक हमारे डेटाबेस में टेबल है उसको एक अल्टरनेटिव नाम देंगे। अभी देखिए, बड़ा टेबल है तो उसका छोटा नाम दे सकते हैं, उसी तरह मतलब अल्टरनेटिव व्यू को दे सकते हैं, सिक्वेंस को दे सकते हैं, प्रोसीजर को और टेबल को भी हम दे सकते हैं हमारे स्कीमा ऑब्जेक्ट से। Synon provides a way to simplify access to database object by providing a convenient and consistent way to reference them. Okay, ये क्या है Synon, मतलब एक reference देता है। देखिए, अभी हमारे पास दो schema है। Schema मतलब क्या है, जो मैंने connection आपको दिखाया था, मेरा connection था SQL learning और system करके, मतलब हमारे पास दो database है। अभी दो डेटाबेस को एक से एक इंटरलिंक करने का उस टाइम पे क्या करते हैं हम सिनॉन, मतलब कैसा है, अभी डेटाबेस वन में मेरा एक ऑब्जेक्ट है, स्कीमा ऑब्जेक्ट है, टेबल है, मेरे को डेटाबेस टू में उसको एग्जीक्यूट करना है, उसी टाइम क्या करेंगे, हमको रेफरेंस पाथ चाहिए, मतलब कैसा, कौन सा पाथ में, कौन से फोल्डर में ये टेबल सेव है करके एक रेफरेंस चाहिए लगता है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसी टेबल को एक सिनॉन क्रिएट करेंगे, एक नाम, अलग नाम, अल्टरनेटिव नाम क्रिएट करेंगे, वो डेटाबेस टू में दे दिया तो वो भी रन हो जाएगा, मतलब उधर से डेटा को रिट्रीव कर सकता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फुल ऑब्जेक्ट नेम यू कैन यूज द सिनॉन, मतलब बड़ा नाम यूज करने से हम आप छोटा नाम यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ ये क्या है, मतलब और क्यों चाहिए इस सिनॉन, किस लिए है एसक्यूएल में। अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ बोले तो प्रिविलेज के लिए, डेटा प्रिविलेज मतलब अभी देखते हैं, डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मेरा एक मैं सर्वर है, ठीक है, मेरे पास डेटा है, बहुत सारा डेटा से, मास्टर डेटा से, लेकिन मेरा क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट को जो मेरा टेबल का है पूरा का डिटेल्स नहीं दे सकता, मतलब जैसा कि नाम, मेरा एक मास्टर को मास्टर फाइल है एम्प्लॉय डिटेल्स करके, मतलब जो फाइल नेम है ना उसको मालूम नहीं होना चाहिए, वो मेरा क्लाइंट है, उसको एक हम अल्टरनेटिव नाम देंगे, एक डुप्लीकेट नाम देंगे, वो उधर से ओनली अल्टरनेटिव नाम देके हम उसको ग्रैंड करेंगे, एक्सेस ग्रैंड करेंगे कि रीड और एडिट कर सकता है करके। लेकिन जब वो डिलीट करेगा तो हमारे पास का डेटा डिलीट नहीं होता, मतलब डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमारे पास टेबल रहता है वो आपने दूसरे को सेम टेबल का दूसरा नाम दिया, जब हम ग्रैंड दिए तो वो देख सकता है, नहीं तो हम कभी भी वापस ले सकते हैं। देखिए, ये एक सिनॉन का सिंटैक्स है, क्रिएट और रिप्लेस पब्लिक सिनॉन, मतलब पब्लिक के लिए क्रिएट करेंगे, जो हमारा डेटाबेस का नाम है वो पब्लिक को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मतलब उसको नहीं बताएंगे, एक टेम्प्रोरी नाम देंगे सिनॉन। ये सिनॉन क्या है, हमारा डेटाबेस में जगह नहीं लेता, जो स्पेस नहीं लेता, एक क्वेरी क्रिएट करेंगे हम, जब भी जो क्वेरी नाम दिया है उसको वो क्या करेगा, वो क्रिएट किया तो बैकएंड में फायर करके जो हमारे टेबल से डेटा को फेच करेगा, लेकिन जो हमने प्रिविलेज दिया रहता है जो उतना ही कर सकता है, मतलब मास्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए, क्रिएट और रिप्लेस पब्लिक सिनॉन, सिनॉन नेम देंगे फॉर स्कीमा, मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो एम्प्लॉय टेबल है जो हमारा उसका नाम दे सकते हैं। उसी तरह देखिए, ये ड्रॉप का सिंटैक्स है, ड्रॉप सिनॉन और सिनॉन नेम, मतलब कैसा सिनॉन क्रिएट करने के बाद ड्रॉप कैसे कर सकते हैं ये बोल रहा है। मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास सर्वर है, ठीक है, ये मेरा सर्वर है, सर्वर कैसा, अभी देखिए डेटा कैसे सेव होता है, हमने टेबल देखा है, हमने एसक्यूएल डेवलपर में टेबल देखा है, हम टेबल में डेटा सेव करते थे, लेकिन वो किधर है, स्कीमा में है, मतलब एक हमारा कनेक्शन है, कनेक्शन स्कीमा उसमें है, ये टेबल इसमें आता है, ये स्कीमा किस में आता है, डेटाबेस में सेव होता है, ये डेटाबेस किस में सेव होता है, सर्वर में होता है, सही ना, ये एक हमारा पाथवे है, करेक्ट। अभी देखिए, और एक मैं इधर बताऊँ, ये सर्वर टू है,
हमको इसमें जो डेटा है, टेबल है, इसको एक्सेस करना है तो इधर सिनोनिम में यूज होता है। देखिए ये इतना बड़ा सा क्वेरी हर एक टाइम लिखना पड़ेगा, सर्वर वन होगा, पाथवे, डेटाबेस, स्कीमा, मतलब आपको मालूम हो जाता है ना। ऐसा एक पाथवे है, ये टाइप करने के बाद वो क्या होगा, एक से एक रिलेट होकर डेटा। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नाम देंगे, छोटा सा कौन सा भी नाम दे सकते हैं, क्या भी जो चाहिए, स्कीमा करके कुछ भी दे सकते हैं। तभी क्या करेगा, ये स्कीमा को रन किया तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में फायर होके वो डेटा को रिट्रीव करता है। देखिए इसमें दो चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। देखिए हम डेटा सिक्योरिटी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा मेन सर्वर रहता है ना, इस मेन सर्वर में हम जो डेटा सेव करते रहते हैं वो जो हमारा मास्टर डेटा रहता है, मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। हम ओनली एक स्कीमा करके जिसको अवेलेबल है, मतलब जितना डेटा चाहिए उतना को एक्सेस दे सकते हैं सिनोनिम में। मतलब हम एक सिनोनिम क्रिएट कर रहे हैं, वो एक टेबल ही है लेकिन टेबल जैसा नहीं है, वो उसमें डेटा रहता है जैसा टेबल जैसा, परमानेंटली नहीं सेव रहता। अभी देखिए सिनोनिम में आप कुछ तो एडिट अपडेट कर दिया तो मेन टेबल में अपडेट होता है, लेकिन आपने सिनोनिम डिलीट कर दिया तो हमारे टेबल को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया ना, जो सिनोनिम रहता है उसमें अपडेट किया तो अपडेट होता है, लेकिन डिलीट कुछ भी करो लेकिन हमारा मेन टेबल जो रहता है वो प्रिविलेज, जो डेटा हमारे पास रहता है उसको कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर में दिखाता हूँ, आपको तभी पूरा मालूम हो जाएगा। अभी हम देखेंगे सिनोनिम में ना उसका सिंटैक्स लिख के देखेंगे। अभी क्रिएट और रिप्लेस सिंटैक्स है ना सिनोनिम का, ये सिनोनिम सिंटैक्स आपको मैं एसक्यूएल डेवलपर में दिखाता हूँ। देखिए क्रिएट और रिप्लेस देखिए जैसा सिंटैक्स है वैसा लिख रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिए। क्रिएट और रिप्लेस सिंटैक्स सिनोन क्या है, सिनोन होने के बाद हमको सिनोन नेम देना है। अब मेरे पास एम्प्ला है, न्यू EMP सिनोन करके ऐसे SYM देता हूँ मैं, ठीक है। न्यू किधर से देना है, देखिए फॉर ऑब्जेक्ट, मेरे को फॉर ऑब्जेक्ट चाहिए, किधर से है वो भी देना है। देखिए फॉर ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिखा है, स्कीमा, कौन सा स्कीमा है, मैं ये मेरा सिस्टम है। देखिए स्कीमा मतलब मेरे पास तीन है, लोकल, लर्निंग, सिस्टम, ये तीन है। अभी मैं सिस्टम में इसको सेव किया, सिस्टम डॉट कौन सा है, एम्प्लॉय, टेबल कौन सा है, टेबल एम्प्लॉय को हमको सिनोनिम क्रिएट करना है, मतलब डुप्लीकेट क्रिएट करना है। जो एम्प्लॉय टेबल है मेरा मास्टर एम्प्लॉय सीट है, लेकिन मेरे क्लाइंट को देना है एक अलग सा, वो टेबल का डुप्लीकेट क्रिएट करके उसको देना है। अभी देखेंगे इसको रन किए तो देखिए सिनोनिम न्यू एम्प्लॉय SYM क्रिएटर, मतलब क्रिएट हो गया, नया क्रिएट हो गया। अभी देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमने न्यू क्रिएट किया है वो देंगे, न्यू EMP SYM, सही ना। देखिए मैं रन करता हूँ, देखिए टेबल रन हो गया ना। देखिए मतलब ये डुप्लीकेट हमने क्रिएट किया है, जो हमारा ओरिजिनल टेबल है ना उसी तरह एक डुप्लीकेट हमने क्रिएट कर दिया है। जैसा कि हमने अलियास करते थे ना उसी तरह ये भी है, मतलब अलियास मतलब रेफरेंस नाम देते थे रेफरेंस के लिए, ये भी एक रेफरेंस है जो मेन टेबल से दूसरा टेबल से रेफरेंस दे सकते हैं। अभी देखिए कभी कभी है ना ये प्रिविलेज मैंने दे के रखा है, प्रिविलेज नहीं दिया तो आपको प्रिविलेज देना पड़ेगा जो आपका मेन यूज़र को लॉगिन करके। कैसे देना है इधर देखिए मैंने लिखा है, देखिए ये है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये क्या करना है आपको, CMD प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, SQL प्लस लिखना है, उसके बाद आएगा इधर पूछेगी, एंटर करने SQL प्लस लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका सिस्टम, जब हम लॉगिन करते टाइम में SQL डेवलपर दिए रहते हैं ना उसका सिस्टम देंगे, इधर पासवर्ड है हिडन है, वो जो आपने पासवर्ड दिया है वो एंटर कीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा जो हमारा है। देखिए Oracle Database 21 Express Edition रिलीज, मतलब इसको कनेक्ट हो गया, होने के बाद क्या करेगा हमको ग्रैंड करना है, प्रिविलेज देना है, परमिशंस देना है, इधर ग्रैंड क्रिएट पब्लिक सिनोनिमस टू सिस्टम, मतलब हमने इधर पहले क्या होता था सिनोनिमस क्रिएट करते टाइम में इधर आता था, लेकिन मैंने इधर क्या कर दिया है, ये ग्रैंड एक क्वेरी लिख के ग्रैंड दिया है। तब देखिए ग्रैंड सक्सेसफुली ग्रैंड क्रिएट यानी सिनोनिमस सिस्टम, ये दो क्वेरी दिया तो वो हमको ये डेटा रिट्रीव होता है, नहीं तो एरर आउट हो जाता है, मतलब वो सिस्टम में प्रिविलेजेस अभी रिवोक भी कर सकते हैं, मतलब वो हमने ग्रांट दिया है ना रिवोक किया तो वापस ले लो, ऐसा मीनिंग होता है उसका। समझ में आ गया ना, अभी देखिए ये तो आपको समझ में आया होगा। जैसा कि अभी देखिए ये जैसा है टेबल जैसा ही बिहेव करता है, जो हमारा टेबल है ना उसी तरह ये बिहेव करता है। अभी हम अपडेट करेंगे,
अभी देखिए वैल्यूज़ है, ये हमारा एम्प्लॉय का वैल्यूज था, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये इधर अभी कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पास है 2000 सैलरी है, सही ना। अभी मैं इसको ज़्यादा भी कौन सा दे सकता हूँ, अभी अपडेट कर सकता हूँ। देखिए सिनॉन को अपडेट कैसे करेंगे, आपको अपडेट का टेबल मालूम है, अपडेट ये कौन सा है, न्यू ईएमपी, जो टेबल का नाम है ना वो देंगे, जो हमने सिनॉन क्रिएट सिनॉनस क्रिएट किया है, सही ना। सेट सैलरी इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास 2000 है, मैं इसको क्या करता हूँ कुछ भी देख सकता, अभी 3000 दे सकता हूँ, 3000 पेयर देंगे, सैलरी इज इक्वल टू 2000, मतलब जहाँ जहाँ 2000 है उसको अपडेट करो करके हमने ये क्वेरी लिखा है, समझ में आया। मतलब जहाँ जहाँ 2000 एम्प्लॉय का सैलरी है उस जगह मेरे को 3000 अपडेट करो करके हमने ये क्वेरी लिखा है। अभी रन करता हूँ, देखिए वन रो अपडेटेड, मतलब वन रो आपको दिखाया था ना वो अपडेट हो गया। अभी मैं रन करके दिखा रहा हूँ, देखिए इधर 2000 था वैसे ही 3000 हो गया, सही ना। यही है सिनॉनिमस, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं और एक बार बता रहा हूँ, सिंपल सा देख लीजिए। सिनॉनिमस एक क्या है, रेफरेंस टेबल है, एक हमारे पास मास्टर टेबल रहता है उसका एक डुप्लीकेट टेबल बोल सकते हैं, रेफरेंस टेबल है जो हम क्लाइंट को दे सकते हैं, मतलब किसी को भी दे सकते हैं, जो उसके साथ वो क्या करेगा, रेफरेंस टेबल लेके वो डेटा को रिट्रीव कर सकता है, लेकिन जो मास्टर टेबल रहता है ना ये हमारे पास रहेगा। जब हम प्रिविलेजेस दिया हुआ रेफरेंस टेबल को रिवोक कर दिए तो उसको वो डेटा को मैनिपुलेट कर नहीं सकता, मतलब हमारा मेन डेटाबेस को कुछ भी नहीं हो सकता है। ये एक बात हो गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है कि ज़्यादा बड़ा बड़ा नाम सा टेबल रहता है, जैसे मैंने आपको पाथवे दिखा दिया, इतना बड़ा सा पाथवे को हम सिंपल सा कोड दे के ईजी भी फिजिबिलिटी, मतलब आपको लर्निंग के लिए लिखने के लिए ईजी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और एक मैंने दिखाया था क्या है, इसमें देखिए ड्रॉप सिनॉन सिनॉन नेम, मतलब ड्रॉप कैसे करेंगे देखेंगे। अभी ये तो सिंपल सा है, आपको मालूम है ड्रॉप सिनॉन क्या नेम है, देखिए ड्रॉप सिनॉन सिनॉन नेम न्यू ईएमपी इससे हम सही ना। देखिए ड्रॉप सिनॉन सिनॉन नेम देंगे, देखिए इधर एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, मतलब प्राइवेट सिनॉन हमने पब्लिक किया है ना, प्राइवेट सिनॉन टू बी ड्रॉप, मतलब जो प्राइवेट सिनॉन रहता है उसको ड्रॉप करना चाहिए। अभी इसको प्रिविलेजेस नहीं है, वो प्रिविलेजेस देना पड़ेगा, इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ड्रॉप कैसे करने का। आई होप कि आपको सिनॉन के बारे में पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्या कॉन्सेप्ट है और सिनॉन मतलब क्या है और किस लिए मेनली यूज़ करते हैं और इसका अहमियत क्या है, क्यों सिनॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक बाय। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसा था हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया हमसे ज़रूर पूछें। आपके इस प्यार और समर्थन के बिना हम नहीं आ सकते, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में सजा करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।